वेलकम स्टूडेंट्स, सी बी एस ई 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो एक वीडियो बनाई थी लेटर टू गॉड, होप वो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अभी जो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है एक पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। तो यहाँ जो बताया गया है कि पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लें। ये एक मॉडर्न अमेरिकन पोएट थे और ये हमेशा नेचर पे बेस्ड पोएम्स ज़्यादा लिखते थे। इवन ये वाली जो पोएम है ये थोड़ा सा नेचर से ही रिलेटेड है, जिसमें एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया है। तो ये इनकी बहुत सारी पोएम्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, लाइक पासिंग बाय द वुड्स और बहुत सारी और इस तरीके की पोएम्स हैं। तो जो है इनको काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल तो करना पड़ा अपनी लाइफ में, और इनका जो प्रोफेशन है वो हमेशा ज़िंदगी भर चेंज ही होता रहा, कभी कुछ कभी कोई काम कभी कोई काम। लेकिन ये एक पोएट के रूप में काफ़ी ज़्यादा इनका नाम हो गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। और इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स था अ बॉयज़ विल, ये पब्लिश हुआ था इंग्लैंड में, और बहुत ज़्यादा इसके बाद इनकी और भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स और इस तरीके के और भी वर्क्स पब्लिश हुए थे, और बहुत जल्दी इनकी डेथ भी हो गई थी। तो इस पोएम को इन्होंने एक सॉन्ग के रूप में लिखा है, मतलब ये इस तरीके से बताया गया जैसे एक छोटा सा सॉन्ग है, बहुत छोटी सी पोएम है, बट इट इज़ जस्ट लाइक अ सॉन्ग विच टेल्स अस कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। क्योंकि इस पोएम में बताया गया है कि जो ट्रैवलर है, जो एक इंसान है, ये पोएट को ही समझ लीजिए, कि वो काफ़ी बैड मूड में डिप्रेस मूड में जा रहा था कहीं, तो एक हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, एक क्रो बैठा हुआ था, एंड सडनली वो क्रो, जैसे नहीं होता है जो बर्ड्स होती हैं वो अपने आप को हिलाती रहती हैं, तो वो हिला और उसमें से काफ़ी ज़्यादा पाउडरी थिंग उसके कंधे पे गिरा। वो पाउडरी क्या था? स्नो। और जैसे वो उसके कंधे पे गिरा तो उसका मूड इमीडिएटली चेंज हो गया था, जो डिप्रेस मूड था वो खुशी में बदल गया। तो पढ़ लेते हैं इसकी पोएम की एक एक लाइन। वैसे इसमें ये कहा गया है कि जो क्रो है वो कोई अच्छा सूचक नहीं माना जाता, इट इज़ अ बैड ओमेन टू सी अ क्रो, या जो हेमलॉक ट्री है वो भी कोई शुभ ट्री नहीं माना जाता है, अच्छा ट्री नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इन दोनों ने इसका जो दिन है पोएट का वो बना दिया। तो अभी हम पोएम पे आते हैं। चलिए देख लेते हैं। पोएम में कहा गया है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। शुरू की चार लाइन्स देखिए, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम कर रही है, और जो सेकेंड और फोर्थ लाइन है वो राइम कर रही है, एक लय में, ये सॉन्ग की तरह है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जिस तरीके से एक क्रो ने झटका दिया जब वो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था और मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो डस्ट ऑफ स्नो उसके कंधे पे गिरा, कहाँ से? एक हेमलॉक ट्री पे वो डस्ट जमी हुई थी स्नो की, वो जो स्नो की लेयर जमी हुई थी वो उसके ऊपर गिरी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी ए बी। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो सेकेंड स्टैंजा, केवल दो स्टैंजास की पोएम है, आठ लाइनों की पोएम है, और इसमें आप देख रहे हैं अगेन जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन से राइम कर रही है, और जो सेकेंड है वो फोर्थ के साथ करी है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इमीडिएटली उसका मूड चेंज हो गया। तो इस पोएम में हमें पता चल रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, क्योंकि आधा दिन तो उसका ख़राब मूड में बीत गया। इसका कोई रीज़न इस पोएम में नहीं बताया गया है कि वाई द पोएट वॉज इन अ सैड और अ डिप्रेस मूड, लेकिन जैसी वो डस्ट ऑफ स्नो उसके कंधे पे गिरी, इमीडिएटली उसका मूड चेंज हो गया और बाकी का दिन उसका बच गया ख़राब होने से, वेस्ट होने से। तो दिस पोएम गिव्स अस अ लेसन दैट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ आल्सो कैन ब्रिंग अबाउट ग्रेट चेंजेस इन आवर लाइफ,
जैसे मान लीजिए कि आपके पापा थक के आते हैं ऑफिस से, और इमिडिएटली जब वो घर पहुंचते हैं और आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने पापा को कुछ पानी वानी देते हैं, इमिडिएटली उनका मूड मुस्कुरा जाता है, मतलब उनके चेहरे पे एक हंसी आ जाती है, एक स्माइल आ जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो हो सकता है दूसरों के दिन को बना दें। तो इसलिए हमें अपनी तरफ से ये कोशिश करना चाहिए कि और लोगों के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके उनको अच्छा महसूस कराएं। अगर उनका दिन ख़राब था पूरे दिन में, तो एटलीस्ट अब वो यहाँ से उनका मूड चेंज हो जाए। सो इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी इम्प्रेसिव पोएम विच शोज़ अस दैट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ कैन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस इन आवर लाइफ ऑल्सो। इफ़ यू आर इन अ बैड और अ डिप्रेस मूड, इवन अ स्मॉल थिंग कैन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस। जबकि क्रो और हेमलॉक ट्री कोई अच्छे नहीं माने जाते हैं, वो बैड ओमेन माने जाते हैं। बैड ओमेन यानी अपशकुन। एक कौवे को देख के भी अपशकुन होता है, एक हेमलॉक ट्री भी कोई अच्छा ट्री नहीं माना जाता है। लेकिन ये छोटा सा जो एक सिंबलाइजेशन था कि क्रो ने झटका दिया और स्नो उसके शर्ट पे, उसके कंधे पे गिरा, तुरंत ही इसने उसका डे बना दिया और वो एकदम उसका मूड चेंज हो गया। जो वो सैड और डिप्रेस मूड में था, वो मूड एकदम उसका बदल गया एंड ही इन्जॉयड द रेस्ट ऑफ द डे। हिज डे वॉज सेव्ड फ्रॉम बींग वेस्टेड। सो दिस वॉज द पोएम विच वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये थी बहुत छोटी सी पोएम जो हमें ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ठीक है, तो बाकी तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोग देख ही लेंगे, वो आपको मिल ही जाएंगे नेट पे भी। सॉल्व क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के बहुत जल्दी आसानी से नेट पे मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।